This is Lendithinulogy. I am Himanshi, and we are doing a yearly compilation and a wrap up. वी नो रिविजन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए थे साल की शुरुआत में वो तो याद नहीं आते बट ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो साल भर में हुए हैं उन्हें अगर हम कैटेगरी वाइज फॉर्मेट में पढ़े तो हमारा जो तैयारी है आने वाली एग्जाम के लिए वो और बहुत बेहतरीन होती है इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवॉर्ड जो इस साल हुए हैं मैं इन्हें कुछ एम सी क्यू फॉर्मेट में डिस्कस करूंगी बहुत सारे एम सी क्यूज नहीं है करीब पंद्रह सोलह एम सी क्यूज रहेंगे पर उनके साथ साथ एमसीक्यूज के साथ हम जो अवार्ड डिस्कस करेंगे वो काफी सारे हैं तो आपका जो रिवीजन है वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा इस एक वीडियो के साथ तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी लाइक बटन तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन एंड लेट्स सी दी फर्स्ट क्वेश्चन ओके सो द रूल इज कि अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं रीड कर सकते हैं फिर अपने एक पेन पेपर शीट में आप मार्क कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर वन आपका सही हुआ या नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा इन द कॉमेंट सेक्शन

नेक्स्ट इज अबाउट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इसे आप थोड़ा ध्यान से पॉज करके पढ़िएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंगेक्टली मैस्ड मैं कई बार ये शब्दों के साथ खेलने की कोशिश करती हूं ताकि आपको ध्यान से समझ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिनली मैच तो आप यहां पे अगर ध्यान से देखें तो मिस यूनिवर्स और फेमिना मिस इंडिया को मैंने स्विच किया है और इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा चलिए इसको पढ़ने से पहले इसे एक बार देख लेते हैं सेवेंटी फर्स्ट मिस यूनिवर्स भी पिछले साल ही अनाउंस हुई थी 70, इसी साल अनाउंस हुई थी सॉरी सेवेंटी सेकेंड भी इसी साल अनाउंस हुई थी तो दोनों साथ मैंने यहाँ लिख दिया है सबसे रीसेंट जो है वो है 72nd मिस यूनिवर्स और ये निकारागुआ की पहली जो है मिस यूनिवर्स अनाउंस हुई है फर्स्ट रनर अप भी यहाँ पे रही है और 71st यूनिवर्स मिस यूनिवर्स भी यहाँ पे मेंशन है और अगर आपको इंडिया से जितनी भी मिस यूनिवर्स थी वो पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए फेमिना मिस इंडिया की बात करें तो नंदिनी गुप्ता वो विनर रनर अप श्रेया पूंजा मिस इंडिया अर्थ की बात करें तो प्रिय प्रियन सेन फ्रॉम राजस्थान इज द विनर हियर सी यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये लोग अगर ये जीते फॉर एग्जाम्पल फेमिना मिस इंडिया जीते तो ये आगे जाके मिस वर्ल्ड में कम्पीट करते हैं मिस इंडिया अर्थ अगर होती है तो ये आगे जाके मिस अर्थ में कम्पीट करते हैं okay, ओके तो उस हिसाब का पैजेंट होता है नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे कम कॉम्पिटिशन होता है नेक्स्ट इज मिस इंटरनेशनल इंडिया और यहां पर विनर थी प्रवीणा अंजना तो ये सारे हमारे विनर्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज वन एंड थ्री मतलब कि वो incorrect थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड Angela Merkel रिसीविंग अ पीस Prize फ्रॉम होम तो इन्हें जो है पीस Prize मिला था बट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा द करेक्ट आंसर इज यूनेस्को पीस प्राइज इन्हें दिया गया था क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है फॉर दिज रेफ्यूजीज इन जर्मनी एंड दच व इसकी जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हीलिक्स हॉफ उड बॉयनी अवार्ड किसे दिया गया था या इसका दूसरा नाम क्या है तो आप यही कहेंगे विनर वॉज एंजला मर्कल हु इज द फॉर्मर जर्मन चांसलर और द प्राइज इज कॉर्डर यूनेस्को पीस प्राइज नेक्स्ट वी हैव सम अदर न्यूज फॉर एक्जाम्पल नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है सवाल आता है तो यू से इट इज प्रेजेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दो कैटेगरीज में होता है पहला तो आपकी प्रोफेशनल कैटेगरी होती है प्रोफेशनल कैटेगरी होती, होती है और एमेचोर कैटेगरी होती है ठीक है इन्हीं में सारे अवर्ड्स दिए गए हैं तो इसमें आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो दिया तो गया शुप्रा दास को ठीक है ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है वो एंड ऑल अदर अवार्डीज जो है यहाँ पर है विनर्स नेक्स्ट इज द एबल प्राइज एबल प्राइज देखिए बहुत नोबेल प्राइज हमें पता है बट नोबेल प्राइज के अलावा ऐसे कुछ प्राइजेस होते हैं जिन्हें कहा जाता है लाइक द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर एग्जांपल सिनेमा ठीक है तो ऐसे अवार्ड्स भी हमें पता होने चाहिए तो एबल प्राइज इज आल्सो कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर विच फील्ड टॉकट ठीक है इस बार ये दिया गया है लुई कैफरिल को लुई दिस अवार्ड दिस इज बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिक्स रिलेटेड अवार्ड इन्होंने काफी सारा काम किया है क्या ये हम पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो शायद हमें ना पता चले बट ही गेव सम थ्योरी ऑन नॉन लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेश वॉज अवार दिस बाई दॉर्वेशन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स नेक्स्ट इज द लॉरीट ऑफ सर आर्किटेक्चर प्राइस अभी अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्रिस्कर प्राइस जो है प्रसकर से रिलेटेड है तो आप कहेंगे आर्किटेक्चर दिस वाज गिवन टू सर डेविड एलन चिपोफील्ड अवार्ड दिया गया ये हाईएस्ट ऑनर माना जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर विच वाज एस्टैब्लिश बाय द हयात फाउंडेशन इसी तरह इंटरनेशनल प्राइज फॉर स्टैटिस्टिक्स मैंने एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की है दिस इज इक्वल टू नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स ओके विनर वॉज कईलम पुडी राधा कृष्ण राव एन इंडियन अमेरिकन सो अफकोर्स इट इज इंपॉर्टेंट कभी भी इंडियन आ जाते हैं और अगर इंडियन आ जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन विच बुक रिसीव द इंटरनेशनल बुकर प्राइस बुकर प्राइज इस डोमेन में बुक के डोमेन में बहुत मतलब लिटरेचर के डोमेन में आप उठ से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्राइज है करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी आई होप यू गॉट इट राइट सो टाइम शेल्टर जो किताब है ये लिखी गई है जॉर्जी गोस्पडिनो के द्वारा एंड दिस इज ट्रांसलेटेड बाय एंजेला रोडेल कभी कभी किसने ट्रांसलेट किया है ये भी क्वेश्चन आता है एंड द अवार्ड जिन्हें ये दिया है ही इज अ बल्गेरियन और ये पहले बल्गेरियन जो है विनर है अब इसके आगे मैंने जितने भी बुक्स और लिटरेचर वाली प्राइजेस हैं एक साथ रख दी है जैसे लिप्सिक बुक प्राइज ये दिया गया मारिया स्टेपानोवा को और इनकी जो किताब है वो है मेमरी इन मेमरी ठीक है नेक्स्ट इज ज्ञानपित अवार्ड दिस इज एन इंडियन अवार्ड ये दिया गया है दामोदर मोजो को गोन राइटर गोन राइटर है ये ये इंडिया का हाइस्ट लिटरे अवार्ड माना जाता है अब कभी कभी सवाल आता है कि किस में दिया जाता है अवार्ड ठीक है तो ये दिया जाता है फॉर दोज हुआ राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस हिंदी इंडिया की जो लैंग्वेजेस है जो शेड्यूल एट में दी गई है वो और उसके साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज है मतलब टोटल नाइन लैंग्वेजेज मतलब उसमें जितनी लैंग्वेजेस है प्लस एक और बाईस तेईस लैंग्वेज हमारी हो जाती है टोटल इतनी लैंग्वेजेस में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है नेक्स्ट इज ये यूरोपियन एसरप्राइज दिसन टू Roy, रॉय is एन इंडियन राइटर एंड इज प्रेजेंटेड by चार्ल्स विलियन फाउंडेशन देन व्यास सम्मान अवार्ड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये हिंदी के जो लेखक होते हैं उन्हें दिया जाता है और इस बार ये दिया गया है नोवेल जो लिखी गई है

प्रॉफिट सॉन्ग तो ये अलग है इंटरनेशनल बुकर ऑफ से विच वॉज गिवन टू जॉर्जी कॉस्पोडिनोव ठीक है एंड एंजला रोडेन नेक्स्ट गोल्डन बुक अवार्ड ये भी एक कैटेगरी uh, होती है विच इज़ गिवन टू दो क्रिएटर्स जो ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी के लिए होते हैं और लिटरेरी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन राइटर्स भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अश्नीर ग्रोवर हैं रस्किन बॉन्ड है गौर गोपाल दास है ऐसे बहुत सारे uh, लोगों की किताबों को ये अवार्ड मिला है तो आप क्लोजली इसे ज़रूर पढ़िएगा डायरी ऑफ ऑफ विंग किड इज एन अमेजिंग बुक दैट आई पर्सनली आई एक्चुअली वॉस्ट अ मूवी ऑन इट आई हैवेंट सीन द बुक बट इट्स अ ब्यूटिफुल बुक सो सो या आर ऑल दी दैट बीन रिसेंटली गिवन आप इसे क्लोजली देख सकते हैं नेक्स्ट इज दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइस जो रिसेंटली दिया गया था बाइ यूनेस्को ये भी यहां पे मैं है इज गिवन टू थ्री इम्प्रेजेंट डैश फीमेल जर्नलिस्ट मतलब कौन सी नेशनैलिटी की ये जर्नलिस्ट है सो द करेक्ट आंसर इज ईरानियन जर्नलिस्ट तो ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे वक्त में भी काम करते हैं जहाँ जर्नलिज्म की सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है तो इस बार ये दिया गया ईरानियन जर्नलिस्ट निलोफर हमीदी इलाही एंड नरगिस मोहम्मदी को इन तीनों को ये दिया गया बाईनेस्को नेक्स्ट इज द आइफा अवार्ड्स तो आइफा अवार्ड इज बेसिकली सिनेमा से रिलेटेड अवार्ड है काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर दिया है क्लोजली अगर आप इसे देखें शेरशाह को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे बेस्ट एक्टर वॉज गिवन टू हृदय रोशन फॉर विक्रम दैन बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इज टू द फीमेल कैटेगरी इज आलिया भट्ट और फिर बाकी सारे हैं जैसे कि सपोर्टिंग एक्टर्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ये सब है बट मेन आई थिंक मूवी एक्टर एक्ट्रेसेज ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट इज कांस फेस्टिवल ओके दिस इज हेल्ड इन विच पर्टिकुलर कंट्री तो कांस फेस्टिवल हम वन साल सुनते रहते हैं क्या पता कभी ऐसा एक सवाल आ जाए सही जवाब है फ्रांस तो फ्रांस में ये जो फेस्टिवल है वो होता है यूजली कांस जो है वो वहीं की जगह है ये सेवेंटी सिक्स एनुअल फेस्टिवल था इस बार का एंड द बेस्ट फीचर फिल्म गिवन टू जस्ट एंड ट्राइट फॉर फॉल बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर सभी जो है है next is the bafta awards it is the british film academy awards best leading actor was ben wishaw the best leading actress was kate winslet and other awards like drama series international drama mini-series you be mentioned it दादा साहेब फाल अवार्ड दिस इज इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड वो डिफरेंट है जो तो दादा साहेब फालके अवार्ड है वो अलग है ये फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है तो ही इज कॉल्ड दादा साहेब इज कॉल्ड कॉडा जी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा मैंने यहाँ मैंशन किया कि क्या पता आपसे ये सवाल कभी आ जाए रिवीर बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ये कंट्री का हाइएस्ट सिनेमा अवार्ड जो है माना जाता है बेस्ट फिल्म दिया गया कश्मीरी फाइल्स को फिल्म ऑफ द ईयर टू आर 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 वी विल सी अहेड के ऑस्कर्स में भी काफी झंडे घाड़े आर 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 ने देन बेस्ट एक्टर टू रणबीर कपूर एंड बेस्ट एक्ट्रेस टू आलिया भट्ट बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स ये इस कैटेगरी में भी जो आरआरआर मूवी है इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला था और इसके साथ बेस्ट एक्शन फिल्म बेस्ट डांस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग

सो द करेक्ट आंसर इज 1929 पहली जो सेरेमनी हुई थी 1929 में हुई थी ये इसका नाइनटी फिफ्थ एडिशन था लॉस एंजलिस में हुआ था नाटो नाटो सॉन्ग जो है अगेन आरआरआर मूवी का जो एस एस राजमौली के द्वारा बनाई गई थी इसे बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला नेटफ्लिक्स की जो एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री है कार्तिकी एंड गुनीत पोंगा के द्वारा इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री दिया गया ठीक है तो पहली जो सेरेमनी है नाइनटीन की मैंशन है ऑल्सो इसके अलावा जितने भी और अवार्ड हैं आप इसे ध्यान से देख सकते हैं बेस्ट एनिमेटेड बेस्ट सपोर्टिंग ये भी एक साथ यहां पर दे दिया गया है लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेशनल वाटर अवॉर्ड वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इट इज गिवेन बाई विच मिनिस्ट्री तो ये इंडिया की मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अगैन वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट है ऑफ वाटर रिसोर्सेज उनके द्वारा दिया जाता है बहुत सारी कैटेगरीज होती है पर इनमें जो टॉप पोजीशन है वो uh, सबसे अच्छा अवार्ड या सबसे ज्यादा अवार्ड जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली स्टेट uh, है वो है मध्य प्रदेश फॉर बाई एंड बिहार एंड द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट विद गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ठीक है नमकल भी यहां पर है गांधी पीस प्राइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो भी गांधी के प्रिंसिपल्स को अपना कर यू नो नॉन वायलेंस वगैरह के प्रिंसिपल्स को अपना के अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है इस बार यह दिया गया है गीता प्रेस को आप देख सकते हैं गीता प्रेस को ये एक प्रस्टिजियस अवार्ड है जो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं इन, इन इन जनरल हमारी सोसाइटी को इकबाल मसीह अवार्ड दिस इज एन इम्पोर्टेंट अवार्ड जो दिया गया ललिता नटरंजन को बाय द यूएस डिपार्टमेंट अभी जो नाम है इकबाल मसीह के एक्चुअली एक एक छोटे से बच्चे के नाम पर दिया गया है जो पाकिस्तान में जिसे सेल कर दिया गया था फॉर स्लेवरी एंड देन ही एस्केप्ड ही ही यू नो वोकलाइज्ड फॉर दिस एंड देन ही वाज किल्ड एज वेल लेटर तो उनके नाम पर ये अवार्ड दिया गया है इकबाल मसीह एंड द विनर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ललिता नटरंजन शी इज अ लॉयर एंड एन एक्टिविस्ट बेस्ड इन चेन्नई

नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दिस हैज़ बिन गिवन टू दो चिल्ड्रेन जो आठ से सोलह साल के बच्चे होते हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्वायरमेंट के इश्यूज को सॉल्व करने में काम करते हैं तो इस बार छह बच्चों को दिया गया है जैसे ईशा दीक्षित है मान्या हर्षा निर्वाण सोमनी मन्नत कौर एंड करण दस्तोगी फ्रॉम मुंबई नेक्स्ट इज वायु सर्वेक्षण अवार्ड वायु की बात हो रही है यानी कि हवा के सर्वेक्षण का अवार्ड किस कौन रिलीज करता है बेसिकली ये सवाल है सही जवाब है सी पी सी बी अब इसी के साथ आप कौन विनर थे वो भी आपके दिमाग को क्लिक करना चाहिए तो एम यही है कि एनसीपी का जो प्रोग्राम है उसके अंडर हम या उसके तहत हम सभी को रैंक कर पाए तो ये रिलीज किया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है पॉपुलेशन वाइज मोर देन टेन लाख तीन से दस लाख उससे कम तो जो फर्स्ट uh, कैटेगरी होती है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली सिटी है इंदौर एंड द बेस्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सागर ने सबसे अच्छा किया है और थर्ड कैटेगरी में देवास ने अलग अलग कैटेगरीज होती है पॉपुलेशन के हिसाब से नेक्स्ट इज द रेमन मैक्से अवार्ड सवाल ये है कि ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है टू ऑनर द वैल्यूज ऑफ द सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रेमन मैक्से अवार्ड हम हमेशा कभी ना कभी सुनते रहते हैं सही जवाब है फिलीपींस तो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है उनके नाम पर ये अवार्ड दिया गया है इट इज इट इज गिवन टू दो पीपल जो उनके वैल्यूज को डेमोस्ट्रेट करते हैं या यू नो स्पिरिट ऑफ एशियन पीपल या सर्विस की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है इट इज दिस इन फॉर एशिया एशिया ठीक है ऑफ uh, तो कभी अगर ऑल्टरनेटिव नाम से कभी सवाल आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इंडियन विनर वॉज इज अगेन फिलीपीन्स फिलीपीन के प्रेसिडेंट द तो फिलीपींस इस बार के विन, विनर की बात करें तो रवि कनन इंडिया से हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर में बाकी और भी लोग हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला अच्छा सेकंड नंबर पे अगर देखें हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स में तो दैट वॉज इंडिया नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग इंडिया हाइएस्ट रिकग्नेशन इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा विच इज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू वाहिदा रहमान तो हाइएस्ट अवार्ड जो इन द फील्ड ऑफ सिनेमा है वो है दादा साहेब पालकी अवार्ड हमने देखा था इस कॉलर फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर दोन तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है वाहिदा रहमान को अगेन द हाइएस्ट पर्टिकुलर रिकग्नेशन इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा नेक्स्ट इज द नॉर्मल बॉर्डली ऑफ फील्ड अवार्ड दिस बिन गिवन टू ओडिया साइंटिस्ट विच इज स्वाति नायक और इनके इनोवेटिव अप्रोच के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो फार्मर्स हैं उनका काम थोड़ा इज़ी किया है कि डिमांड ड्रिवन जो राइस सीड सिस्टम है वो डिप्लॉयमेंट उसकी टेस्टिंग उससे रिलेटेड कुछ इन्होंने काम किया है तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया नेक्स्ट इज द रामानुजन प्राइस इन मैथमेटिक्स अवार्ड रामानुजन नो ही वॉज द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन इस बार ये जो अवार्ड है जिनके नाम पर ये दिया जाता है वो दिया गया है रोशन जैंग को वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ठीक है तो ये ऑब्वियसली जो हमारे रामानुजन सर रहे हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखकर एक्स्ट्रा जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस डोमीन में मैथमेटिक्स के डोमीन में उससे उन्हें दिया जाता है बट इसकी एज लिमिट है 32. ठीक है 32 का एज लिमिट है ये जरूर याद रखिएगा नेक्स्ट इज हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिस ईयर मैंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा है लिटरेचर के अवार्ड में डोमेन में किसे दिया गया तो इट इज जॉन फॉस ठीक है वैसे तो स्वाति ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था जिससे आप सारे नोबेल प्राइज के विनर्स को याद कर सके यहाँ पर एक साथ आपको सारे विनर्स देख सकते हैं फिजियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर पीस और इकोनॉमिक्स का भी नेक्स्ट इज रोहिणी नैयर प्राइज ये दिया गया दीनानाथ राजपूत को जो कि एक सोशल वर्कर है इन्होंने बस्तर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा काम किया है एंड इट इज गिवन टू और इन द नेम ऑफ द इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेटर दैट इज रोहिणी नैयर नेक्स्ट इज द द ऑफ अर्थ अवार्ड अवार्ड एक इंपॉर्टेंट होता है जो लोग इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं एक्चुअली काफी ज्यादा रिकॉगनेशन मिलता है इन अवार्ड के थ्रू उन्हें यहाँ अगर आप देखें तो अलग अलग कैटेगरी में पॉलिसी इंस्पिरेशन वगैरह कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है ऐसा ही एक अवार्ड है जो कि इको ऑस्कर कहा जाता है आपको बताना है कि इको ऑस्कर इज द अदर नेम ऑफ दिच प्राइज इट इज कॉल्ड एज द अर्थ शॉर्ट प्राइस यस तो अर्थ शॉर्ट प्राइस की बात हमें पिछले ही वीडियो में मैंने की थी इट वॉज आई आई टॉक्ट अबाउट इट बिकॉज एज फॉर एज टेक्नोलॉजीज जो है जो इंडिया की एक कंपनी uh, है कहना चाहिए इनिशिएटिव है इन्होंने बिल्ड अप वेस्ट भी वर्ल्ड की वर्ल्ड की कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जीता भी है यह अवार्ड तो या ये दो तक ये अवार्ड दिया जाने वाला है विच इज इंस्पायर्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडीज मून मूनशॉर्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट इज द लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवर्ड ये काफ़ी अपने आप में डिस्टर्बिंग अवार्ड uh, है कि ऐसा भी कोई अवार्ड हो सकता है तो काफ़ी यूनिक है ये पहली बार ये दिया गया है और ये दिया गया सलमान रश्टी को जो कि एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है और ये काफ़ी यू नो न्यूज़ में रहते ही है कॉन्ट्रोवर्सीज में रहते ही है नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड पीस के डोमेन में जो लोग काम करते हैं उन्हें यह दिया जाता है तो इस बार जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और जो हमारे कोविड के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं वॉरियर्स रहे हैं उन्हें ये अवार्ड बेसिकली दिया गया था देखिए जॉइंटली अवार्ड दिया गया है टू द डेली हेड क्वार्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड द न्यू डेली बेस्ड ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन मतलब डॉक्टर्स और नर्सेज का जो एसोसिएशन है उन्हें ये दिया गया है नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वेन दाइज प्राइज फॉर एजुकेशन वाइज प्राइज जो है ये दिया गया है सफीना हुसैन को तो ये जो वाइज अवार्ड है ये दिया जाता है बेसिकली एजुकेशन वगैरह के डोमेन पे जो लोग काम करते हैं तो इस बार ये दिया गया है सफीना हुसैन को जो कि फाउंडर है एंड बोर्ड मेंबर है एजुकेट गर्ल्स की ठीक है तो ये एक कतर फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवार्ड देते हैं और ये क्योंकि पहली इंडियन है इंडियन वुमेन है इसलिए ये प्राइज इंपॉर्टेंट था तो 50, 60 स्लाइस की जो आज हमने इस वीडियो के थ्रू कवर की है आई होप कि दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज़ डन वंडर्स फॉर यू कि आप सच में सारी अवार्ड्स को रिवाइज कर पाएँ और कई बार देखते हैं हम सवाल के अवार्ड से भी आते हैं नेक्स्ट जो रिविजन वीडियो होने वाला है रेपअप वीडियो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट रैंक्स अगर आप और किसी कैटेगरी में कंपाइलेशन चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मुझे वो भी बताइए अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करके जाइए एंड डू नॉट वगेट टू हिट द लाइक बटन Thank you so much.